हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज देख रहे हैं हम आप कैपिकॉन कार वाशर के बारे में बात करेंगे। ये हमारा कैपिकॉन कार वाशर है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लाइन भी आ रहा है, मोटर भी चल रहा है, परंतु प्रेशर नहीं दे रहा है। तो इसको किस तरह ठीक करना है, चलिए देखते हैं सारा प्रोसेस एक एक करके, बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे, और आपको भी समझाएंगे कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रहा था। तो पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। ये प्रेशर थोड़ा भी नहीं दे रहा था, ये अचानक से ख़राब हो गया है। पहले थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, फिर होते होते 1 से 2 दिन में ये पूरा प्रेशर इसका डाउन हो गया। तो ये देख रहे हैं, ये ग्लास है, पीछे भी लगा हुआ रहता है, इसके अंदर एक जाली रहता है फिल्टर का। हमने ये सब सारा चीज़ को पहले क्लीन करके देख लिया है। तो ये ढक्कन में आप देख रहे हैं 8 स्क्रू रहता है, तो 8 स्क्रू को हमने खोल लिया है। खोल करके कुछ इस प्रकार से ये ओपन होता है। इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको ओपन करना है। कोई भी चीज़ जब आप खोलते हैं, ये मशीनरी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई पार्ट टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो आपको अवेलेबल होगा नहीं हर एक जगह। हमने ऑनलाइन से इसका किट मंगवाया है, तो आज उसको लगाएंगे और चला के देखेंगे कि हमारा ये काम करता है कि नहीं, और कितना परसेंट तक ये काम करने लायक हुआ, तो बताएंगे आगे फाइनल करके। तो पहले तो अभी इसको खोल लेते हैं। ये ऊपर से प्लेट दिया हुआ रहता है ताकि मशीन वाइब्रेट करके हिले ना, गिरे ना, इसके वजह से। और इसमें 4 स्क्रू रहता है अंदर में मशीन को टाइट करने के लिए, उसको भी खोल लेंगे। देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से निकलता है। ये देखिए इतना बड़ा ढक्कन है इसका बॉडी, परंतु इसमें मशीन कितना सा छोटा है। तो अब पंप को इसको खोलने का बारी है। तो इसमें 5 नंबर का एलिंकी लगा हुआ रहता है, एलिंकी बोल्ट, तो उसको हम खोल लेंगे। इसमें वायल भी रहता है, थोड़ा सा बैरिंग में दिया हुआ रहता है ताकि बैरिंग सूखे ना और मोटर को चलने में आसानी हो, फ्री रहे बिल्कुल। तो एक एक करके सारे एलिंकी को खोल लेंगे। 3 नट दिया हुआ रहता है, ऊपर में भी 4 एलिंकी का बोल्ट दिया हुआ है जो कि 4 नंबर है, तो उसमें भी फिल्टर रहता है। तो देखते हैं कि हमारा ये सेम मॉडल का सामान हालांकि नहीं मिल पाया है, कैपिकॉन मशीन का ही है, इसी कंपनी का। तो देखते हैं कितना पार्ट इसमें मिलता है। सारे अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर काम करेगा, अभी तो खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका पार्ट में डिफरेंस है या सेम ही है। तो देखिए खोल लिए, इसी के अंदर वायल रहता है, इसमें मोटर है, पंप सिर्फ इतना ही रहता है, इसका अंदर में सिर्फ मोटर रहता है। तो इसको आराम से हम बाहर निकाल लेंगे। पहले इसमें प्लास्टिक का बूस रहता है, उसी में चिपका हुआ रहता है। हमने पहले भी 2 मशीन को खोल करके ठीक किए हुए हैं, तो ये ठीक हो जाता है, किसी तरह का परेशानी नहीं है। बस यही बात है कि इसका सामान ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ता है, ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध नहीं है अभी तक। तो इसको आराम आराम से निकालना है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतना है। देखिए थोड़ा सा पिचकस से पुश किए तो अब ये निकल रहा है, ये हमारा निकल गया हुआ है। देखिए इसमें ये 3 वाइल सील रहता है जो काला काला आप देख रहे हैं, ये 3 वाइल सील रहता है इस साइड और 3 उस साइड रहता है, बीच में 3 रॉड रहता है, पंप रॉड, और ये छोटा छोटा पंप के लिए दिया हुआ रहता है, पानी प्रेशर के लिए। तो पहले तो हम वाइल सील तो हमको हर हाल में चेंज करना है। ये फिल्टर नहीं भी मिलेगा, छोटा छोटा जो ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं, इसको आप फिल्टर भी कह सकते हैं, पंप भी कह सकते हैं। तो ये अगर नहीं मिलेगा तो फिर भी काम चल जाएगा, किंतु वायल सील चेंज करना पड़ेगा, जो पंप किट जिसको बोलते हैं। देख रहे हैं कितना छोटा छोटा पार्ट है प्लास्टिक का, इसीलिए इसमें सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्लास्टिक का 3 वाशर रहता है बूस्ट टाइप का, जो पिस्टन के ऊपर में लगा हुआ रहता है, इसको भी हम आराम से निकाल लेंगे बारी बारी से। अभी हमारा 2 निकल गया, अब ये देख रहे हैं 3रा भी निकल गया। ज़्यादा कुछ आइटम रहता नहीं है, तो इधर से हम बाहर से जब भी खींचेंगे तो ये हमारा पंप निकल के आ जाएगा, कुछ इस तरह से रहता है। 3 पंप लगा हुआ रहता है, जितने भी मशीन खोले उसमें 3 ही रहता है, और साइज भी सेम ही है सबका, साइज में भी कोई अंतर नहीं। वाइल सील भी लगभग सेम ही होता है, आप कोई भी यूनिवर्सल किट मंगवा करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने 2-3 कंपनी का मंगवाया, तो
सारे में ऑयल सील सेम ही निकला। ये जो प्लास्टिक का बूश है, फिल्टर है, ये अलग अलग होता है, बड़ा छोटा साइज में अंतर रहता है। तो हम खोले थे, परंतु इसका प्लास्टिक का जो किट सब है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसको वापस से हल्का सुलेशन लगा करके इसको टाइट कर लेते हैं, क्योंकि इसका सामान तो मिला नहीं है, ये सेम मैच नहीं कर रहा है, अंतर है, इसलिए इसको हम लगा लेते हैं। अब इसका मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, अंदर का सामान ये ख़राब भी नहीं है, टूटा उटा भी नहीं है। तो हल्का सुलेशन हम इसलिए यूज़ किए हैं ताकि ये लीकेज ना करे और अच्छा से बैठ जाए। देख रहे हैं, ये सब काम करते वक्त आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक काम करना है, बिल्कुल ध्यान देना है, किसी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है इसमें, और बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके सबको टाइट करना है। एक ही बार एक को टाइट करेंगे तो ये टूटने का भी डर होगा, और दूसरी बात है कि नहीं बैठेगा तो लीकेज भी करेगा, आपको दोबारा से खोलना पड़ सकता है। तो इसको हम आराम से बारी बारी से टाइट कर लेते हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बारी है इसका वॉइल सील चेंज करने का। ये जो तीन वॉइल सील देख रहे हैं आप, यही मेन वॉइल सील होता है, तीन पंप किट होता है और तीन मोबिल के लिए दिया हुआ रहता है। ये देखिए, ये जो है ये सेम ही रहता है सबका, सारे मशीन का लगभग सेम ही है, किसी का भी किसी में लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक को निकाल लेंगे और एक लगा लेंगे इस तरह से। आप तीनों को एक बार निकाल के भी लगा सकते हैं, परंतु हम एक एक इसलिए लगाएंगे ताकि इसमें दो तरह का रहता है, उल्टा ना हो और सेम सेम लग जाए। इसमें एक एक लगाने का यही फायदा होता है कि आप दूसरों को देख सकते हैं कितना अंदर है, किस तरह से बैठा हुआ है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ताकि आपका काम एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा इसमें आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। देख रहे हैं, यही तीन वॉइल सील हमने चेंज किया है, और इस साइड हमारा लग गया। अब उस साइड का बारी है, इस साइड भी सेम ही रहता है, परंतु इस साइड पानी का वाशर रहता है और एक साइड मोबिल के लिए वॉइल सील दिया हुआ रहता है, जो मोबिल अंदर में ना आए, इसके पानी पंप में ना जाए। तो इसको भी हम आराम आराम से लगा लेंगे बारी बारी से, बढ़िया तरीका से। इसको बैठाते वक्त पूरा ध्यान देना है कि एकदम ये सीधा से बैठ सके, और वापस जिस तरह से खोले थे, ये जो हमारा पिस्टन है इसको अच्छा से लगा लेंगे। और देखिए, स्प्रिंग रहता है, ये पुश करते रहता है, ये हमारा काम करने लगा बिल्कुल, अब कोई परेशानी नहीं है इसमें, टाइट भी हो गया। जब पहले खोल के चेक किए थे तो काफ़ी लूज था, अब जिस तरह से ये जो प्लास्टिक का वाशर निकाले थे ऊपर से, इसको उसी तरह से लगा लेंगे अच्छा से क्लीन करने के बाद। इसमें खांच दिया हुआ रहता है, खांच बाई खांच हम बैठा लेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो इसमें। तो अब ये हमारा हो गया हुआ है। अब ये जो छोटा छोटा प्लास्टिक का स्प्रिंग लगा हुआ है, तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना है, ये तिरछा ना लगे और गलत तरीका से ना लगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आपको अवेलेबल मार्केट में होता नहीं है, फिर आपको तीन चार दिन वेट करना पड़ेगा ऑनलाइन सामान मंगाने के लिए, हो सकता है एक सप्ताह भी आपको लग जाए। तो कुछ इस तरह के से लगा लेना है। अब इसमें वॉयल डाल देते हैं, हम फ्रेश वॉयल यूज कर रहे हैं मोटरसाइकिल का, इल्फ का 20W40। इसमें वॉयल कितना डालना है, जितना कि हमारा बैरिंग इसमें आसानी से डूब जाए। देख रहे हैं, बैरिंग हमारा डूब गया, हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं डालना है और कम भी नहीं रहना चाहिए, बैरिंग जितना पूरा डूब जाए उतना ही इसमें वॉयल डालना है। अब जिस तरह से इसको खोले थे उसी तरह से इसको लगा लेंगे, और इसका वोरिंग को भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा मोबिल लीकेज ना हो। कई बार होता है खोलने और लगाने में ये वोरिंग कट भी जाता है, बैठाने के वक्त अगर थोड़ा भी तिरछा लग गया तो ये रबर का होता है, कट जाएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर आपको दोबारा खोलना पड़ जाएगा। तो किट में हमारा वोरिंग भी था, तो वोरिंग को भी हम चेंज कर लेते हैं। देख रहे हैं, वोरिंग को भी अच्छा से बैठा लेना है चारों साइड बराबर बराबर करके। अब ये हो गया, अब फाइनल इसका टाइट करने का बारी है। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है तो ये बाहर की तरफ फेंकेगा, इसीलिए इसको आराम से रख के और सेंटर मिला के
इसका बोल्ट को हम फंसा लेंगे और थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे ताकि ऑटोमेटिक ये अपना जगह पर बैठता चला जाएगा। देख रहे हैं कुछ इस तरीका से आराम से इसको बैठा लेंगे, इसके ऊपर सेंटर मिल गया हमारा। एक एक करके नट को लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको टाइट करेंगे क्योंकि एक ही बार में ये बैठेगा नहीं, स्प्रिंग है। अब जब भी प्रेस कीजिएगा तो ये बाहर की तरफ फेंक देगा, तो ज़ोर से फेंकेगा तो अंदर का ओरिंग वाइल सील भी निकलने का चांस रहेगा, इसीलिए इसको हल्का सा पकड़ के भी रखना है। और देखिए थोड़ा थोड़ा करके टाइट करेंगे सभी नटों को ताकि ये ऑटोमेटिक अपने जगह पे चला जाएगा। देख रहे हैं इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है, आप खुद से भी इसको बना सकते हैं। देख रहे हैं ये हमारा केपिकोन K40 मॉडल मशीन है, परंतु इसका किट जो हम यूज किए हैं वो केपिकोन 5 और 10 का था, 40 का मिला नहीं, इसलिए सारा सामान मैच नहीं किया है। सिर्फ इसका वाइल सील और ओरिंग दो ही आइटम लग पाया है, प्लास्टिक का जो जाली फिल्टर था वो सब नहीं मैच कर रहा था, वो सब अंतर था, इसलिए वो हमने नहीं लगाया, पुराना वाला ही रहने दिए हैं। इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे बारी बारी से। अब ये हमारा लग गया हुआ है, देखिए इसको फुल टाइट करना है ताकि वायल लीकेज ना हो और पंप बराबर अच्छा से काम करे। इसके लिए लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वायल लीकेज करेगा, यह जल्दी ख़राब हो जाएगा क्योंकि हाई आरपीएम पे चलता है, उसे मोटर वायल लीकेज करेगा तो मोटर जलने का भी चांस रहेगा। तो फाइनली अब हमारा हो चुका है, अब इसको हम चला करके देखते हैं किस तरह का से काम करता है, कितना परसेंट सही हुआ अभी पता चल जाएगा। तो हम लाइन दे दिए हैं, अभी थोड़ा सा 2 मिनट वक्त लगता है इसमें पानी पकड़ने में। ओ देखिए ये हमारा प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया हुआ है, अब ये हमारा काम का हो गया है और इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो चुका है। आप भी इस तरीका से अपने ख़राब मशीन को ठीक कर सकते हैं, देखे आपने हम किस तरह से। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमारा मशीन काम कर रहा है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप भी इसी तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं अपने मशीन को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।